आरआर मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं मन्नान सेठ, जो शहर बिदर में काफी चर्चे इनके देखने को आ रहे हैं और एक बड़ा सा टूर्नामेंट भी करवाया था इन्होंने। कांग्रेस पार्टी के ये बहुत ही सीनियर लीडर माने जाते हैं शहर बिदर से। हाल ही में इन्होंने एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था जो बहुत ही अच्छा रहा, दिलचस्प रहा और काफी लोगों ने इसकी सराहना भी की और लोगों को एक स्पोर्ट्स में अवेयरनेस भी आया और नए नए जगहों से लोग बिदर शहर को आए और शहर बिदर का एक इंट्रोडक्शन भी हुआ काफी लोगों में। और मन्नान सेठ की बेहतर कामयाबी रही है इस टूर्नामेंट को लेकर। तो आइए जानते हैं कि आने वाले दिनों, अभी 11 दिसंबर के दिन इसी महीने 11 तारीख को एक अच्छे पैमाने पर बॉडी बिल्डिंग शो भी कराने जा रहे हैं मन्नान सेठ, तो क्या मंशा है इनकी इस बॉडी शो को लेकर सर? जी, जिस तरह मैंने नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट बिदर में करवाया, उसी अंदाज का, उसी लेवल का 11 दिसंबर को बिदर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करने जा रहा हूँ। सर, अभी ये जो कंपटीशन आप करने जा रहे हैं, तो क्या इरादे से आप ये कंपटीशन रख रहे हैं सर आपका? मैं ये कंपटीशन, ये स्पोर्ट्स इवेंट्स इसलिए रख रहा हूँ ताकि यहाँ के नौजवानों में खेल को लेकर और अपने सेहत को लेकर अवेयरनेस पैदा हो और अपने सेहत का ख्याल करें। सर, इतने दिनों से आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं सर, आप खिदमत देते आ रहे हैं, तो अचानक ये ख्याल क्यों आया कि स्पोर्ट्स के इवेंट भी चलाए जाए? क्या कुछ ऐसा इरादा है कि पॉलिटिकल लेवल पर आपको बहुत ही ज़्यादा मशहूर होना चाह रहे हैं आप, या फिर कोई इरादा आपका कि MLA इलेक्शन को फाइट करें? जी हाँ, मैं बीदर से कांग्रेस टिकट का एस्पिरेंट हूँ। मैंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपने दावेदारी को पेश किया है और अप्लीकेशन दिया है वहाँ पर। मेरा इरादा सियासी तौर पर टिकट हासिल करना और यहाँ बीदर से असेंबली के लिए कंटेस्ट करना भी है। तो सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक ही ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम कराएंगे आप, या फिर ये चलता रहेगा सिलसिला? आप जानते हैं मैं हमेशा से एक्टिविटीज करता रहता हूँ। मैं इससे पहले क्रिकेट टूर्नामेंट भी कई करवाया हूँ और ये फुटबॉल का इवेंट है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, और इसके फौरन बाद 4 जनवरी को एक मेगा जॉब फेयर बिदर में होने जा रहा है। वो एक तारीखी होगा, बिदर के लोग देखेंगे कि उससे यहाँ के नौजवानों के रोजगार को लेकर बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी एक ही दिन का रहेगा सर ये मेगा जॉब फेयर? क्या एक दिन का होगा, जिसमें 100 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आ रहे हैं। उसमें सुबह से शाम तक एक दिन का मेगा जॉब फेयर होगा। 1000 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिलने का मुझे खवी तवक्को है, उम्मीद है। इसी के साथ साथ क्या ये भी तवक्को है आपको कि कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा आपको? जी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, एस्पिरेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी कंसिडर कर सकती है। बिदर में अब सिटिंग MLA हमारे अली जनाब रहीम खान साहब हैं, उनके रहते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से टिकट डालने का सबको अप्लीकेशन डालने का मौका दिया है, मैंने भी अप्लीकेशन दिया है। तो क्या लगता है आपको किस हद तक आप रहीम खान जी से फाइट कर पाएंगे? जैसे कि वो रनिंग MLA है, प्रेजेंट MLA ऑलरेडी वो हैं ग्राउंड पर, सियासी ग्राउंड पर वो मजबूत है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भी क्या टफ कर पाएंगे उनको? जी, वक्त दिखाएगा। रहीम खान साहब नो डाउट सिटिंग MLA हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी हर चीज़ को देखती है, ग्राउंड लेवल पर सर्वे करती है। अगर मैं उनसे सूटेबल कैंडिडेट हूँ तो कांग्रेस मुझे टिकट देती है। तो मानते हैं सर आप सूटेबल हैं? ये पार्टी देखना पड़ेगा। पार्टी अगर इस नतीजे पर पहुँचती है कि मैं सूटेबल कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ पे जीत पाऊँगा, तो पार्टी कंसिडर करेगी। अगर आपको सर अगर टिकट नहीं मिलती है, तो क्या आप इंडिपेंडेंट वगैरह का ऐसा कुछ इरादा रखते हैं कि पार्टी छोड़कर आप दूसरी टिकट से फाइट करें? जी नहीं, मैंने एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट भी दिया है, जिसके अंदर मैं लिख के दिया है, नोटराइज करके दिया है कि अगरचे पार्टी टिकट नहीं देती है मुझको, तो मैं पार्टी का लायल रहूँगा और पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ रहूँगा, उसको जिताने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। यानी अगर आपको नहीं फिर से रहीम खान को मिला, तो फिर आप साथ देंगे पार्टी? बिल्कुल, यानी कांग्रेस पार्टी में आप हमेशा रहेंगे? जी हाँ, मैं पार्टी का लायल कार्यकर्ता हूँ, पार्टी में रहूंगा, पार्टी की मजबूती के लिए काम करता रहूँ। जी, तो ये जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर के बाद सर, और ये बॉडी बिल्डिंग शो के बाद फिर और आगे कुछ आप?
हेल्थ कैंप्स करवाना है जी, लोग हमारे नौजवानों में कैरियर गाइडेंस के लिए प्रोग्राम्स करना है ताकि हमारे नौजवान अच्छा एजुकेशन में, अच्छे अच्छे एजुकेशन में जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी यहाँ पर जुड़े थे कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर शहर बिदर से, अब्दुल मन्नान सेठ, और इन्होंने ये दावा किया है कि ये बिल्कुल एक फिट कैंडिडेट है और MLA ये बन सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में इनकी भी बहुत ज़्यादा क़यादत है, और साथ साथ ये भी बताया इन्होंने कि अगर इनको टिकट नहीं मिलती है तो ये फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। उम्मीद तो ये बता रहे हैं कि टिकट इनको मिलेगी। बने रहे हमारे चैनल के साथ RR Media 24/7 में, देखते रहेंगे कि क्या होता है आने वाले इलेक्शन में, किसको कांग्रेस से टिकट मिलती है और मन्नान सेठ क्या कुछ ग्राउंड पर करेंगे।